चलिए जी, जल्दी से मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अगेन एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सॉरी, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है अंडर रूट 2x+7। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्वेश्चन रूल लगा देंगे। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है। सर सबसे पहले तो हम v का स्क्वायर कर देते हैं, v को कांस्टेंट रखते हैं du बाई डी एक्स माइनस का साइन, फिर हम u को कांस्टेंट रखते हैं dv बाई डी एक्स। दैट्स द डिफरेंशिएशन, दैट्स द क्वेश्चन रूल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है। सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होगा, जल्दी से बताइए। यस, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√(1 − x²). दैट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं मेरे को बस यहाँ पे वो यही पुट करना है और क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, राइट। यही पुट करना है और यही हमारा वैल्यू में पुट करते करते हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी से वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। दिस इज़ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x+7, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल मुझे कहेगा अंडर रूट 2x+7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले मैंने कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया, विच इज़ -1/√(1 − x², है ना, 1 − x/2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने x/2 का डिफरेंशिएशन किया, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x/2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2, है ना, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 क्या हो गया 1/2। अब मैंने माइनस साइन लगाया और हमारे न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, विच इज़ कॉस इनवर्स x/2। अब मैंने हमारे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दिस इज़ गोइंग टू बी 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 है। फिर टू अंडर रूट 2x प्लस, बेसिकली अंडर रूट नहीं आएगा अंडर, क्योंकि मैंने इसकी पावर 1/2 के फॉर्म में ली है, तो 2x+7 की पावर 1/2 − 1, है ना। फिर मैंने 2x+7 का डिफरेंशिएशन किया, जो आंसर आएगा 2, क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। अब मैंने अल्टीमेटली बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स, राइट। यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2x+7, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे -1, जब आप इसका डिनोमिनेटर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4 − x² / 4, है ना, और फिर इंटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2, यहाँ पर हो जाएगा 2x+7 की पावर -1/2 होल डिवाइडेड बाय, राइट, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2x+7 का होल स्क्वायर, है ना। ये अंडर रूट में नहीं है स्क्वायर, ये बाहर है, है ना। तो अगर आप देख सकते हैं इसकी पावर 1/2 है, वो है, तो इसका 2 कट जाएगा, है ना। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूँगा, अंडर रूट 2x+7, पहले मैं न्यूमरेटर कर देता हूँ, 2x+7, यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर बचेगा 4 − x², है ना, और फिर यहाँ पर बचेगा 1/2, है ना, और यहाँ पर ये 2 और 2 कट जाएगा, राइट। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचा कॉस इनवर्स x/2, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x+7, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको। तो अगर आप देखेंगे और होल डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x+7, है ना। अल्टीमेटली dy बाई dx में अगर आप देखेंगे मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2x+7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 − x² − cos इनवर्स x/2
अपॉन अंडर रूट में 2x+7 होल डिवाइडेड बाय 2x+7, यही मेरे पास अल्टीमेटली बचा, राइट। अब आप देख सकते हो मैंने क्या करा सर, मैंने यहाँ पर सिंपली एक वो करा, क्या नाम है, मैंने सिंपली इनका एलसीएम लिया। तो जब मैं अल्टीमेटली इसका एलसीएम लूँगा, मैं यहाँ पे एक मिनट पेज ऐड कर दूँ, तो मेरे पास में अल्टीमेटली आया अंडर रूट 2x+7 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू अंडर रूट 4-x² होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4-x² इंटू अंडर रूट 2x+7 डिवाइडेड बाय 2x+7, है ना। अगर आप देख सकते हैं मैंने अल्टीमेटली क्या किया, हमें पता है a अपॉन b होल डिवाइडेड बाय c अपॉन d, तो b इंटू सी a इंटू d हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में बचेगा अंडर रूट 2x+7, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 कट जाएगा, है ना, तो 2x+7 बचेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस कॉस इनवर्स x/2 अंडर रूट 4-x², राइट, ये हमारे पास बचा, राइट, डिवाइडेड बाय, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बचा मेरे पास 4-x² अंडर रूट में, है ना। और फिर मेरे पास यहाँ पर बचा 2x+7 इंटू 1+1/2, तो अल्टीमेटली 3/2 बचा। तो अल्टीमेट मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, dy/dx न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 2x+7 माइनस अंडर रूट, कॉन्स्टेंट टर्म पहले लिख देता हूँ फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखता हूँ, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4-x², और यहाँ पे लिख दूंगा 2x+7 की पावर 3/2। इसमें अब और कुछ कट नहीं सकता, तो यही मेरे लिए dy/dx हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बिल्कुल राइट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, नथिंग मोर, बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप सही करते जाओगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट।